से तो उधमपुर में देखते हैं, क्या जिला उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके देविका के सौंदर्यकरण की बात की, हमारी आस्था का प्रश्न था, क्योंकि देविका मैया के साथ हमारी आस्था जुड़ी है। लेकिन मेरी समझा के सारे कोला बड़ा योगदान मोदी जी के इस 8 साल के कार्यकाल का यह है कि जिहड़ा हकीकी लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र, उहदा परिचय उहदा अनुभव देश की पहली बारी होया। 50-60 बरे असें वंशवाद के आड़ लोकतंत्र समझिए गुजारी होई, बराए नाम जमहूरीयत जिहदे पर्दे च खानदानी राज मिलते रहे, पहले पड़दादा भी दादी भी प्यो भी पुत्र, पुत्रे दा पुत्र नहीं है तो भैण तुको। लेकिन लोकतंत्र दा अर्थ की है? बड़े बड़े विद्वान ये गलांदे है भी लोकतंत्र दा असली भाव यह है भी कुसै भी घर च कोई बच्चा जन्म लवे, घर बड़ा होया कि लौका होया, अमीर होया तो गरीब का होया, माऊ की यह साहस हो, विश्वास होया, एक कल्पना करने का, यह सुपना देखने का कि बड़े हुई है मेरा बच्चा भी बड़े कोला बड़े अहदे पर पुजी सकता, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। वो असें हुंदा देखिया जिसने मोदी जी एक साधारण घर च जन्म लीए, देश के सर्वोच्च पद उपर पुजे, तो लोगों च विश्वास जागया कि हाँ वास्तविक लोकतंत्र है, असें जन्म लेदा एक ऐसे देश जिथे लोकतंत्र का पालन होता है। मैं समझना 8 बरें जो साड़ी जिहड़ी मानसिकता दुरुस्त करने का काम होया है, यह साड़ी सारे कोला वड्डी उपलब्धि है। उहदे अलावा जिहड़ी जिहड़ियां उहदियां योजना आईयां, तुसीं चेता होगे प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने पहली गल आखी मेरी सरकार गरीब की समर्पित है। मेरी आखी सदा उस वेल्लै किन्ने लोकें उस गल की बड़ी गंभीरता कन्नै संजीदगी कन्नै सोचा होगी कि लोकी आदत होई दी लीडर आउंदा भाषण करदे शाम पहले तक लीडर ही भुली जांदा, मैं बड़ लै के भाषण कीता तो लोग भी भुली जांदे। अज्ज तुस 8 बरें पूरी है, देखो जिन्नियां भी उंदियां स्कीमां हियां गरीबें वास्ते, जिन्हें गलाया हुण पूर्व MLA साहब ने कि सेवा सुशासन ते गरीब कल्याण, तुसें दे पिछे जाइए देखो हर स्कीम तुहाड़ी गरीब कल्याण कन्नै ओत प्रोत है। समाज के वह वर्ग के शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, कुतै ना कुतै मुख्यधारा तो रही रहे जिन्हें पिछली सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी, भावें महिला ही है भावें दलित है भावें, लेकिन उहदे कोला भी वड्डी गल, वह भावें कोई स्कीम ही भावें उज्ज्वला ही भावें प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन उहदे कोला भी वड्डी गल ये मोदी जी ने यह स्कीम लागू करते करते कन्नो कन्न इस देश की कार्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति बदलने का काम किया है। मैं समझता हूं कि ये जो मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष संपन्न हुए हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी एक कार्यक्रम कर रही है, जिसमें हमारे हिस्से में भी अलग अलग स्थान आए हैं, उसी को लेकर के उसी श्रृंखला का ये कार्यक्रम आज यहां भी आयोजित हुआ। और यदि संक्षेप में कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि यह 8 वर्ष प्राश्चित है उन 60 वर्षों के जो भारतीय जनता पार्टी के 3 पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान और संघर्ष में जीवन खपा दिए, उसके परिणाम स्वरूप हमें 8 वर्ष का कार्यकाल मिला। और मोदी जी के आगमन से ना केवल बहुत से अनेकों रुके हुए कार्य हुए, बल्कि उन्होंने एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया, साथ ही साथ वास्तविक लोकतंत्र क्या है इसका अनुभव भी मोदी जी ने कराया। यदि लोकतंत्र का भाव ये है कि किसी भी घर में पैदा हुआ कोई भी बच्चा, किसी भी परिवार का, चाहे परिवार बड़ा हो के छोटा, अमीर हो के गरीब, उसकी माँ ये स्वप्न देख सके कि मेरा बच्चा भी बड़ा होकर के देश के ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है, तो उसका एहसास हमें मोदी जी के आने के बाद हुआ। ये साधारण परिप्रेक्ष्य से आकर के प्रधानमंत्री बनना, उससे पहले के 50-60 वर्ष वंशवाद की आड़ में लोकतंत्र पनपता रहा, लोकतंत्र का एहसास हुआ, पिछड़े शोषित वंचित वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान मिला, और अनेकों ऐसी स्कीमें जो जनहित की थी, जन कल्याण की थी, चाहे वो उज्ज्वला थी, चाहे PM किसान, उन लोगों तक पहुंचाई गई जिनको उनकी आवश्यकता थी। किसी को ये नहीं पूछा गया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, पिछले चुनाव में तुमने वोट हमें दिया भी था कि नहीं।